जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ग्रेट। व्यूअर्स, आज हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टेंस आती है, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर बस सब्जेक्ट, इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बेस वर्ब एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस हम इसमें लगाते हैं। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल के बाद नॉट, अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो विल को सब्जेक्ट से पहले ले आए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस डेफिनेशन में बस हमारे पास ये वो एक्शन दिखाता है दैट विल हैपन एट स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमारे पास एक स्पेसिफिक इवेंट होता है, एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होता है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, लाइक शी विल कम टू द पार्टी टुमारो। सो टुमारो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। आई विल टीच यू इंग्लिश टू नाइट एट 9 o'clock। आज रात 9 बजे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना सीखूंगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्रस के विल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये एक्शंस जो है मोस्टली हमारे पास स्पेसिफिक टाइम में हुआ है। ब्रस एक और बात अपने जहन में याद रखनी है कि विल हम वहाँ पर ले जाएंगे जब एक एक्शन आपने अभी इस वक्त में डिसाइड किया है, डिसाइडेड, जस्ट हैव डिसाइड। विल हम वहाँ पर लगाएंगे जब हमने एक्शन को अभी डिसाइड किया है कि ये एक्शन हम फ्यूचर में करेंगे। ब्रस सेकेंड इस्तेमाल केस है कि वी ऑफन यूज़ विल फॉर फ्यूचर और प्रडिक्शन। हम फ्यूचर के लिए और प्रडिक्शन, पेशगोई के लिए कि फ्यूचर में ये इवेंट किस तरह होगा, टू शो वट वी गेस्ट, हम जो गेस करते हैं, हमारे जहन में जो ख्याल होता है कि फ्यूचर में ये इवेंट हो सकता है, तो हम वहाँ पर कौन सा वर्ड लगाएंगे, विल लगाएंगे। किसके लिए? फ्यूचर की प्रडिक्शन के लिए, पेशगोई के लिए। लाइक यू विल बी अ टीचर नेक्स्ट मंथ, तो ये मेरी गेसनेस है, मेरी प्रडिक्शन है कि आप नेक्स्ट मंथ में, अगले महीने में आप टीचर होंगे। द वेदर विल बी सनी टुमारो, कल जो है मौसम क्या होगा, सनी होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्रस कि ये फ्यूचर सिचुएशन हमें दिखाती है और विल लगा है यहाँ पर, तो ये हमारे पास कौन सा सिचुएशन, प्रिडिक्शन की शो करता है कि फ्यूचर में ये इवेंट किस तरह होगा। ब्रस ये भी अपने जहन में याद रखना है कि यहाँ पर मोस्टली हम विल के साथ बी लगाते हैं और ये मोस्टली हमें स्टेट शो करता है, एक्शन शो नहीं करता। ब्रस शाल इज आल्सो पॉसिबल इन ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रस शाल हम लगाते हैं लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में किसके साथ, आई ओ वी के साथ हम शाल लगाते हैं। मीनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर करूँ शी आई शाल टीच यू इंग्लिश टू नाइट एट, सो यहाँ पर जो शाल है उसका मतलब भी एग्जैक्ट 100% विल के बराबर है। तो यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में ब्रस हम आई और वी के साथ शाल लगाते हैं, बट यहाँ पर आपने ये गौर करना है, शाल इज रियर, शाल जो है वो बहुत कम है एंड नॉन एग्जिस्टेंस इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में नाउडेज जो शाल है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म है, इसका मतलब है कि शाल इस्तेमाल नहीं होता। केस नंबर थर्ड में ब्रस हम कंडीशनल यूज़ में जो विल है वो इस्तेमाल करते हैं। लाइक हाउ, विल इज़ आल्सो यूज्ड इन कंडीशनल आइडियाज़। हमारे पास 4 कंडीशन है, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है उसमें हम विल लगाते हैं। और किस सिचुएशन के लिए, विल वी से, जब हम कहते हैं दैट व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ समथिंग एल्स हैपन, अगर ये एक्शन होता है। लाइक हाउ, लाइक इफ़ द वेदर इज़ फाइन, अगर मौसम अच्छा होता है या अगर मौसम अच्छा हुआ तो व्हाट विल हैपन और समथिंग एल्स हैपन, तो ये वो सिचुएशन है, वी विल हैव द पार्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ समथिंग एल्स हैपन, अगर समथिंग एल्स ये सिचुएशन हो गई तो फिर कौन सा एक्शन होगा। तो ये कंडीशनल क्लास है जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन का रिजल्ट भी उसी सिचुएशन के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई स्लीप, अगर मैं सोया, आई विल मिस द मैच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ समथिंग एल्स हैपन, अगर ये एक्शन हुआ तो ये एक्शन बी होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये भी
नहीं होगा। तो बस कंडीशन यूज में, लेकिन कौन से कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश फॉर केस में लास्ट में हम जब डिस्कस करेंगे कि डू नॉट यूज़ विल, हम ब्रश वहाँ पर विल इस्तेमाल नहीं करते। व्हेन एन इवेंट इन फ्यूचर हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, हमने पहले पास्ट में सोच लिया था कि फ्यूचर में हम ये एक्शन करेंगे, इसका मतलब है कि हमने डिसाइड किया था कि ये एक्शन हम करेंगे, तो वहाँ पर ब्रश हम विल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले मैंने डिस्कस किया था कि विल हम कहाँ पर लगाएंगे, कि जस्ट हैव डिसाइडेड, जब हमने रिसेंटली एक सिचुएशन को डिसाइड किया कि हम ये फ्यूचर में करेंगे। लाइक यह पर बस हम बी गोइंग टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है। बी मीन्स इज एन आर, जब पास्ट में हम करेंगे तो वाज वर्ब हो गया। लाइक शी इज गोइंग टू बाय अ कार हियर, तो पहले पास्ट में फॉर एग्जांपल 3-4 ईयर्स पहले इसने सोच लिया था कि मैं यह पर जो है ये गाड़ी खरीदूँगा। आई एम सीइंग द हेड मास्टर ऑन मंडे, मंडे फॉर एग्जांपल आज सैटरडे है, तो मंडे में जो एग्जांपल में मंडे पे जो सिचुएशन हमारे पास है कि ये हमने किया है कि मंडे के दिन हम ये सिचुएशन करेंगे। तो ब्रस आपने यहाँ पर भी देखा है कि ये एक्शन जो है वो क्या है, डिसाइडेड है, इसका मतलब है कि ये एक्शन पहले ही डिसाइड हुआ है कि हम ये एक्शन करेंगे। तो उम्मीद है कि इस टेंस में आपको कोई मसला ना होगा। जस्ट आपने कि वेल वो सिचुएशन हमें दिखाता है कि जब इवेंट हमने अभी जस्ट रिसेंटली डिसाइड किया है, और जब हम पहले ही जो डिसाइड किया है तो वहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे बी गोइंग टू प्लस वर्ब का। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।